हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पवास सीट कोर्स में। तो आज हम हीरो स्प्लेंडर BS6 मॉडल का बकेट सीट बनाने वाले हैं। तो ये कस्टमर हमारे पुराने हैं, इनके पास पैशन गाड़ी थी पहले, तो उसका भी हमने बकेट सीट बनाया था, पर उनकी वो पैशन गाड़ी चोरी हो गई। तो उन्होंने ये स्प्लेंडर गाड़ी ली, पर उनको ये गाड़ी पे जैसे हमने वो गाड़ी को बनाया था पैशन गाड़ी को, तो ये गाड़ी पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे हमारे जो कस्टमर है, कंफर्टेबल नहीं लग रहे। तो इन्होंने अपने पास ये गाड़ी लाई और वो बोले जैसे अपना पिछले वाला सीट बनाया था उस टाइप से ही ये स्प्लेंडर का कर दो। तो हमने इसका काम लिया है करने को। तो आप देख सकते हो हमने जो फोम है फोम भी निकाल दिया है और फोम हमने नया डाला है। आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फोम हमने डाला है। जिसको जिसको पता होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताए मैंने कौन सा ये फोम यूज कर रहा हूँ अभी ब्रॉड के लिए। और भी हम ब्रॉड करने वाले हैं क्योंकि जो हमारे कस्टमर है उनका हाइट 6 फीट से भी ज्यादा है और सर का वेट भी उसी समान होगा। आप जानते ही होंगे, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा कस्टमर कैसे है हमारे। तो हमने अभी लिया है एक ब्रॉड करने का काम। तो पहले तो हमने साइड से ब्रॉड कर लिया है और जो शेप देना चाहते हैं हम बकेट टाइप का वो शेप हम दे रहे। जैसे जैसे हमें क्यूरी लग रहा है वो पीस हम काट रहे हैं, आप देख सकते हो। और पीछे भी हमने टेपर दिया है क्योंकि उनके जो घर के मेंबर है वो भी उसी तरह से है, उनका हाइट और वेट उसी टाइप से है। तो सब मायने रख के हमने पूरा फोम ही चेंज किया, नया फोम डाला, ब्रॉड वाला फोम डाला है हमने और उस पर हम ये काम कर रहे हैं। अभी जो एक्स्ट्रा पीस है जो हमें नहीं लग रहा वो काट रहे हम, जिधर जिधर क्यूरी लग रहा है उधर उधर हम फोम लगा रहे हैं। और ये आगे मुंह को लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। मुंह को लगाने के बाद हमने बीच में टेपर दिया है क्योंकि बकेट टाइप ये सीट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कस्टमर बैठेंगे तो उनको थोड़ा सा बैक सपोर्ट मिले। और आगे भी हमने उसका मुंह बढ़ा दिया है क्योंकि जो भी आदमी बैठेगा कस्टमर बैठेगा वो आगे स्लिप ना हो, इसलिए उधर टेपर दिया है वो जगह पे ही बैठे, जगह से हिले नहीं, इसी टाइप से हमने ये सीट बनाया है। तो एक्स्ट्रा जो फोम है हम काट रहे हैं अभी, जिधर जिधर थोड़ा सा क्यूरी लग रहा है वो अब हम फिनिश कर रहे हैं। अभी हम पीछे के साइड का थोड़ा थोड़ा कट कर रहे हैं, आप देख सकते हो कैसा शेप बनाया हमने अभी। उसके बाद हमने कस्टमर को कॉल किया और वो आ गए। अभी हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, आप देख सकते हैं अभी हमारे कस्टमर और ये गाड़ी कैसी लग रही है उनके, उनका हाइट देखो, वेट देखो और गाड़ी भी देखो कैसे लग रही है। तो इनको राइड करने को बोला, राइड करने के बाद सर बोले कि थोड़ा सा और हाइट चाहिए मुझे, थोड़ा सा और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये अगले दिन हमने काम शुरू किया क्योंकि बहुत टाइम हुआ था। तो और आधा इंच हाइट बढ़ा रहे हम, सॉल्यूशन लगा दिया दोनों साइड, ये लगा दिया आधा इंच का फोम, सब कुछ मैटर करता है। कभी भी हम ऐसा काम नहीं करते, कस्टमर को दिखाने के बाद ही उसका फाइनल डिसीजन लेते हैं क्या करना है, उसको हाइट बढ़ाना है हाइट कम करना है। कोई भी गाड़ी रहें दो, बुलेट रहें दो, स्प्लेंडर रहें दो, पैशन रहें दो, यूनिकॉर्न रहें दो, कोई भी
कोई भी मतलब कोई भी सीट का जो मॉडिफिकेशन है वो सब पूछ के ही हम करते हैं, क्योंकि एक बार उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो इसलिए जो भी काम लेते हैं टाइम लेते हैं कस्टमर से कि टाइम लगेगा थोड़ा, तो कस्टमर ने हाँ किया तो ही हम उस सीट को हाथ लगाते हैं, नहीं तो आप टाइम निकाल कर ही आ जाइए। तो आप देख सकते हो अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम हुआ है। ये सब फाइनल फिनिशिंग है, अभी डायरेक्ट में अभी कवर जो लगाया है हमने डिजाइन वाला उस पर हमने व्हाइट बॉर्डर लगाई है पाइपिंग की, वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे हमने किया है। ये फाइनल फिनिशिंग है, फाइल से हम ये घिस रहे हैं अभी। फाइल से जो फिनिशिंग आती है बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। बहुत जन को ये मालूम नहीं है ये क्या है, ये इसको फाइल बोलते हम। अभी ये आप स्प्लेंडर का सीट देखो, अभी ये सीट देखो, बहुत ही डिफरेंस है अभी। और इस पे हमने व्हाइट बॉर्डर, हम जैसे बुलेट को करते हैं वैसे हमने ये सीट को बनाया है। कैसा लगा ये हमारा काम जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। और ये काम कैसे किया है हमने कस्टमर के हाइट और वेट के हिसाब से वो जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।